अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना साइंस ग्रेड फोर का तो थर्ड लेक्चर है वो इंशाल्लाह शुरू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली लाइफ साइकिल स्टडी किया था। हमने सबसे पहले लेक्चर के अंदर लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल, जिनके थ्री लाइफ स्टेजेस थे, वो स्टडी किया था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने वो एनिमल स्टडी किए थे, वो इंसेक्ट स्टडी किए थे, जिनका जो लाइफ साइकिल होता है वो हमारे पास फोर स्टेजेस का होता है। आज हम बेसिकली जो नेक्स्ट आपके नेक्स्ट हेडिंग के चैप्टर पे उस पे मूव ऑन करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे है, व्हाई डू द यंग ग्रो अप टू लुक लाइक देयर पेरेंट्स। हमारे पास जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इंसेक्ट के छोटे बच्चे होते हैं, इंसान के हो गए, जानवर के हो गए, वो क्यों अपने पेरेंट्स की तरह ही, वालदैन की तरह ही लगते हैं। सम ऑफ द यंग एनिमल्स लुक लाइक देयर पेरेंट्स। कुछ जो हमारे पास छोटे जानवर होते हैं, ठीक है, जो बच्चे होते हैं जानवरों के, वो हमारे पास पेरेंट्स की तरह के ही लगते हैं। जिस तरह यहाँ पे कॉकरोच लिखा हुआ है, आई लुक लाइक माई पेरेंट्स अ कॉकरोच एंड इट्स यंग। उसके बाद अ फ्रॉग एंड इट्स यंग। अब ये देखें, जो फ्रॉग है उसका जो बेसिकली छोटा फ्रॉग है, छोटा बच्चा जो है वो अडल्ट फ्रॉग की तरह नहीं लगता, लेकिन जो कॉकरोच है उसके जो छोटे बच्चे होते हैं वो कॉकरोच की तरह के ही लगते हैं। द यंग ऑफ अदर एलिमेंट्स लुक डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और कुछ जो हमारे पास जानवर ऐसे होते हैं जिनके जो यंग्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह लगते हैं, और कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं लगते। द यंग ऑफ ऑल एनिमल्स विल इवेंचुअली ग्रो अप टू लुक लाइक देयर पेरेंट्स। हम कहते हैं एंड पे क्या होता है, एंड पे जो तमाम बच्चे होते हैं वो एंड पे जाके, आखिर में जाके, जो अपने पेरेंट है उसी की तरह लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? द आंसर इज इन द जीन्स। आंसर हमारे पास एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं जीन्स। मोस्ट एनिमल हैव टू पेरेंट्स, ठीक है, तमाम जो एनिमल्स होते हैं उनके दो पेरेंट्स होते हैं। जीन्स आर पास डाउन फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू देयर यंग। जीन्स जो होते हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, वो पास ऑन होते हैं पेरेंट्स से, वालदैन से बच्चों की तरफ। जीन्स कंटेन इंफॉर्मेशन दैट डिटरमाइन द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स दैट वी हैव। जीन्स हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन करती है, इनके अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारे पास जो फिजिकल अपेयरेंस है, हमारे पास जो देखने में है, वो हम कैसे लगेंगे, क्या हमारी क्वालिटीज होंगी, क्या खुसूसियत होगी, क्या चीज़ हमने अपने पेरेंट की तरह होनी है, देखने में कैसा होना है, हमारी नेचर कैसी होनी है। द पासिंग डाउन ऑफ ट्रेट्स इज नोन एज हेरिडिटी। और यही जो ट्रेट्स हमारे पास, यही जो खूबियां हमारे पास पास ऑन होती है पेरेंट से लेके बच्चे के अंदर, उनको बेसिकली नाम दिया जाता है हेरिडिटी। जस्ट लाइक ह्यूमन एनिमल्स इनहेरिट ट्रेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इंसानों की तरह जो जानवर होते हैं वो भी अपने वालदैन से ही ये जो खूबियां होती हैं ये हासिल करते हैं। द यंग ऑफ द लेडी बर्ड हैज रेड बॉडी कवरिंग विद ब्लैक स्पॉट जस्ट लाइक देयर पेरेंट। जो हमारे पास एक लेडी बर्ड होती है, उसके भी अगर बच्चे हैं तो उसके बच्चों में भी आप देखेंगे कि रेड स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर हमारे पास ब्लैक से डॉट्स होती हैं। द यंग एलिफेंट हैज अ ट्रंक एंड लार्ज ईयर जस्ट लाइक इट्स पेरेंट। जो हाथी का छोटा बच्चा है उसके भी हम देखते हैं तो उसके भी हमारे पास इसी तरह लंबे लंबे कान होते हैं, और हमारे पास उसकी एक सूंड होती है लंबी सी, जिसको हम ट्रंक कहते हैं। द यंग है जो हैज स्पाइन ऑन इट्स बैक जस्ट लाइक इट्स पेरेंट। और हमारे पास ये जो हैज हॉग होता है, इसके जो छोटा बच्चा होता है उसके हमारे पास बैक के ऊपर, कमर के ऊपर इसी तरह कांटे होते हैं जिस तरह हमारे पास उसके पेरेंट के ऊपर होते हैं। डू यू नोट इट दैट यू डू नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक आइदर ऑफ योर पेरेंट। पता है, आपने नोट किया होगा कि आप बिल्कुल सेम नहीं लगते अपने पेरेंट की तरह। क्यों है ये? क्योंकि आप अपने दोनों पेरेंट्स से जो क्वालिटीज होती हैं, जो हैबिट्स होती हैं, वो आप दोनों पेरेंट्स से हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन ऑफ योर पेरेंट्स हैज डिम्पल, यू मे और यू मे नॉट हैव अ डिम्पल। अगर आपके किसी एक पेरेंट के फेस के ऊपर डिम्पल बनता है तो लाजमी नहीं है, आपके फेस पे हो भी सकता है, आपके फेस पे नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने बेसिकली दोनों के जो ट्रेट्स हैं वो इनहेरिट किए हैं, और उस वजह से बेसिकली क्या होता है कि कुछ हैबिट्स आप अपने फादर की पिक करते हो, कुछ हैबिट्स आप अपने मदर की पिक करते हो। तो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन ऑफ आपके ट्रेट्स होते हैं जो आपकी बेसिकली एक करेक्टरिस्टिक या आपकी जो आप कह लें कि उसको बिल्ड करती है पूरी आपकी एक अपेयरेंस को। अब हम बेसिकली ये देखते हैं कि हमारे पास इस चैप्टर के अंदर ये पूरा इसकी एक समरी है कि हमारे पास रिप्रोडक्शन था। रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस टू इंश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ देयर काइंड, कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि आगे उनका जो सिलसिला नसब है वो चलता रहे। एनिमल्स रिप्रोड्यूस, एनिमल्स अंडे दे के भी और बच्चे दे के भी प्रोड्यूस करते हैं।
ठीक है, अंडे भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं। ट्रेड्स जो होते हैं, जो क्वालिटीज होती हैं, वो हमारे पास पेरेंट्स से जो बच्चे होते हैं उनके अंदर पास ऑन की जाती हैं। कुछ जो बच्चे होते हैं वो हमारे पास पेरेंट्स की तरह लगते हैं, कुछ पेरेंट्स की तरह नहीं लगते, और एंड में हमारे पास तमाम जो बच्चे होते हैं वो बड़े होकर अपने पेरेंट्स की तरह लगते हैं। फिर हमने लाइफ साइकिल की बात की, लाइफ साइकिल हमारे पास थी दो तरह के थे, एक 4 स्टेजेस से, एक 3 स्टेजेस से। और हमारे पास एनिमल्स जो थे वो हमारे पास बेसिकली बच्चों को जन्म देते हैं, जिसमें हमारे पास मैमल्स आ जाते हैं, ह्यूमन आ जाते हैं। और लाइफ साइकिल 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल में हमने फ्रॉग को स्टडी किया था, चिकन को स्टडी किया था, और 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल में हमने बेसिकली मील वॉर्म, बीटल्स और इनको और बटरफ्लाई इनको स्टडी किया था। अब हम मूव करते हैं आगे अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। स्टडी डे ग्राफ बिलो, इट शोज हाउ लॉन्ग ईच स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट एक्स लास्ट। ये हमारे पास एक ग्राफ गिवन है और इस ग्राफ के लिहाज से देख के हमने बेसिकली क्वेश्चन का आंसर देना है। हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट एक्स। इंसेक्ट एक्स है, उसके जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर हमारे पास कितने स्टेजेस होते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास कितने स्टेजेस होते हैं इंसेक्ट के, 4 स्टेजेस होते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, ये देखिए एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, ये 4 स्टेजेस बन गए। हाउ मेनी डेज वुड इंसेक्ट एक्स टेक टू हैच फ्रॉम द एग। एग से हैच होने में कितने दिन लगाते हैं, ये देखो 0 से लेके, ये हमारे पास बनता है 4 डेज। ये तकरीबन हमारे पास 5 से, आप कह लें थोड़ा सा नीचे है, तो इसलिए इसको उन्होंने 4 डेज किया है। ये 5 पे लाइन लगाई हुई है, हल्का सा 5 से नीचे है, इसलिए ये 4 डेज है। व्हाट डज ईच बार रिप्रेजेंट। ईच बार क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ईच बार ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इंसेक्ट एक्स है वो अपनी लाइफ साइकिल में कितने दिन लगाता है। इंसेक्ट एक्स जो है वो अपनी लाइफ साइकिल में कितने दिन लगाता है। हाउ मेनी डेज वुड इंसेक्ट एक्स टू बिकम एन एडल्ट आफ्टर द एग इज हैच। यहाँ से लेके देखें ये हमारे पास 20, और 20 थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो ये हमारे पास तकरीबन 17 डेज बन रहा है। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शन है। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट स्टार्ट फ्रॉम सीड और एम्ब्रियो। फ्रॉग्स कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। द लार्वा बिकम्स अ प्यूपा एंड एडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट फ्रॉम इट्स कोकून। द यंग ऑफ सम एनिमल्स लुक डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। एनिमल गिव बर्थ टू अ यंग। फिर हमारे पास ट्रू फॉल्स है। सम एनिमल लाइक बीटल बटरफ्लाईज हैव 4 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, ट्रू। द लार्वा बिकम्स अ प्यूपा, ट्रू। मेमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग, ट्रू। द प्यूपा फीड्स एंड मूव, फॉल्स। द हेजहॉग हैज फ्लावर्स ऑन इट्स बैक, फॉल्स। वी इनहेरिट अ मिक्सचर ऑफ ट्रेड फ्रॉम बोथ आवर पेरेंट्स, ट्रू। यहीं पे हमारा आज का लेक्चर कंक्लूड होगा। ये एक्सरसाइज जो है ये आपने अपनी बुक पे फिल भी करनी है और इसको याद भी करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम उसके क्वेश्चन आंसर जो है उनको स्टडी करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।